What's up, survivors? केली शो में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आज रियल वर्ल्ड। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कल की वीडियो में जो टॉपिक बच गए थे, जो कि आप लोगों की तरफ से कुछ कमेंट भी आ रहे थे, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे कि आलो कैरेक्टर के एबिलिटी में क्या चेंज आया है, कुछ नए खतरनाक बंडल आ रहे उसे दिखाऊंगा, और यहाँ पे अपकमिंग जो हमारा भूया पास है उसका पूरा आइटम लगभग दिखा दिया जाएगा, और कुछ और गन के छेड़छाड़ किया गया है उनके एट्रीब्यूट्स को, उस चीजों को भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो का लास्ट तक एंड देखना। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, दिखाने वालों हमारे कुछ गन के अंदर एट्रीब्यूट को चेंज किया गया, वो कौन कौन से गन है वो सारी चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे प्लस भी किए गए, जैसे की P90 में, और वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जैसे की आपको यहाँ पे डैमेज में 10% इंक्रीज किया गया, डैमेज आपको और ज्यादा मिलेगा अगर आप लोग इस गन को यूज करोगे, और एक्यूरेसी को यहाँ पे 20% इंक्रीज किया गया, और साइलेंसर को भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया, बट परसेंटेज यहाँ पे नहीं बताया गया। और अब आता हमारा नेक्स्ट वेपन जिसका नाम है UMP में आपको मोजर स्लॉट को यहाँ पे माइनस किया गया, इसका भी परसेंटेज हमें नहीं बताया गया है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, जो बंदे लोग हेडशॉट पे हेडशॉट मारते उस वेपन से, वो जिसका नाम है वुड पिकर को यहाँ पे चेंज किया गया उसके एट्रीब्यूट्स में, जो कि हमारा हेडशॉट इफेक्टिव रेंज है जिसमें आप लोगों को 20% माइनस किया गया। जब भी आप लोग हेडशॉट मारोगे उसमें अब आपको डैमेज थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो ये हमारा वुड पिकर हेडशॉट वाला किंग था। उसके बाद आता हमारा AC-80, ये भी हेडशॉट में बहुत ज्यादा आपको मदद करता है, बट इसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें आपको डैमेज को 20% प्लस किया गया है, और इसमें भी आपको हेडशॉट इफेक्टिव रेंज को 20% माइनस किया गया है। अभी आप लोगों को जब भी आप लोग डैमेज दोगे AC-80 में, उसमें भी आपको हेडशॉट का जो डैमेज है वो कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारा एक और आता है मिली वेपन की स्किन, जिसमें आपको बैट और यहाँ पे हमारा पराफल वेपन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा मिली वेपन है। बैट में आप लोगों को मूवमेंट स्पीड को प्लस किया गया 5%, हमारा पराफल है, इसमें आपको लिखा हुआ है इंक्रीज द डैमेज फॉर ग्लू वॉल, मतलब कि जब भी आप लोग ग्लू वॉल में पराफल यूज करोगे तो आपको डैमेज एक्स्ट्रा मिलेगा और ग्लू वॉल जल्दी ब्रेक हो जाएगा, पर नॉर्मल जैसे आप लोग यूज करते हो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ये सारे अपडेट उनको अच्छा लगता है जो गेम में थोड़ा ज्यादा सीरियस है, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए भी कुछ लिखा है, जो बंदे ज्यादा सीरियस नहीं बस फन के लिए आते हैं, बंडल के लिए आते हैं, पर ये ऐसा वैसा बंडल नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा पूरा भूया पास दिखाने वाला हूँ, जो कि आने वाले टाइम पे आपको देखने में मिलेंगे, जिसका मैंने बस आपको एक पहले लोगो दिखाया था, और फाइनली उसका पूरा बंडल दिखाने वाला हूँ। सबसे तो पहला आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ हमारा जो नया बंडल आ रहा है, ये आप लोगों को देखने में मिलेगा पहला ये बंडल, जो कि हमारा भूया पास का है। अभी कौन सा मंथ में आएगा उसको मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा भी अपडेट के बाद। और उसके बाद आपको एक और नया यहाँ पे भूया पास का बंडल देखने मेरा मेल का, इसे भी देख सकते हो, जो कि सुपरमैन टाइप का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे मैंने आपको हाल ही फिलहाल में कल के वीडियो में भी दिखाया था ये वाला बंडल, और ये भी हमारा भूया पास का, जो कि नेक्स्ट मंथ या उसके 12 मंथ में आएगा मे बी, जहाँ तक मुझे अभी कन्फर्मेशन नहीं मिला है, बट आप लोगों को बता दियो। और उसका पूरा पूरा जितना भी आइटम है उसे भी आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोगों को हमारा बैकपैक स्किन देखने मिलेगा, P90 का स्किन देखने मिलेगा, जो कि आपको परमानेंट मिलेगा, और डे टू डे का स्किन, और कुछ यहाँ पेट का भी यहाँ पे कुछ स्किन दिए गए हैं, और स्केटबोर्ड का स्किन तो देते ही रहते हैं आपको। तो ये सारे रिवॉर्ड आने वाले हैं, और मेरे फीमेल की बंडल भी देख सकते हो। तो ये हमारे भूया के पास में आएंगे, और उसके साथ यहाँ पे एक और बंडल देखने मिला जिसका मैंने आपको दिखाया था ये कहाँ आने वाला है, इसके ऊपर पूरा एक ही बड़ा सा इवेंट हो सकता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आता है हमारे कुछ खास और अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे हमारा OB अपडेट के बाद कुछ कैरेक्टर को गोल्ड में देखने को मिलेगा, यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, बट कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि आलो कैरेक्टर के एबिलिटी में भी यहाँ पे चेंज किया गया है। जहाँ पे पहले वो 1 सेकेंड में 5 HP देता था, अब वो यहाँ पे 3 HP आप लोगों को देगा, और वो भी 10 सेकेंड तक। उसके बाद यहाँ पे इसका कूलडाउन टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पहले 50 सेकेंड था, अब उसको यहाँ पे कम किया गया 45 सेकेंड। ये थोड़ा अच्छा लगा, बट HP वाला मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। आप लोग आलो कैरेक्टर के इस एबिलिटी से सहमत हो कि नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों कुछ सर्वर के अंदर ये जो हमारा फीमेल का बंडल है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और कुछ सर्वर में कल के दिन ये आ जाएगा, और कुछ सर्वर में ये पहले से कुछ रॉयल में दिया गया, और कुछ सर्वर के अंदर ये कोई वेब इवेंट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को ये जो हमारा फीमेल का बंडल है आने वाले टाइम पे जल्दी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। वो कहाँ आएगा, किस जगह आएगा, उसके बारे में आप लोगों के लिए जल्दी एक वीडियो लाया जाएगा, बट उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए रेगुलर अच्छे अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको मिल सकता है। और तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब मिलते हो किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, फैमिली का भी ख्याल रखना। बाय बाय।